बंगाल के उम्मीदवारों के नाम को लेकर के जेपी नड्डा के घर कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम के घर जाकर के बैठक की जानकारी दी। आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मोहर। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद बंगाल बीजेपी नेता राजीव बनर्जी बोले, मैं दोमजुर से और शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ना चाहते हैं, फैसला पार्टी को करना है, दोनों ममता सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी को दी चुनौती, बोले चाहे चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं लेकिन नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराऊंगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के विधायक हमीदुल रहमान ने वोटर्स को धमकाया, कहा टीएमसी को वोट नहीं दिया तो चुनाव के बाद देख लूंगा। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, बंगाल के नगर निगम में राजनीतिक नियुक्तियों के कार्यकाल खत्म होने का मुद्दा उठाया, शांतिपूर्ण चुनाव कराने की मांग की। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ममता राज पर उठाए सवाल, कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव की उम्मीद नहीं, जो माहौल है उसमें खून न बहे ऐसा लगता नहीं है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने बंगाल के मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखी, उपचुनाव आयुक्त संदीप जैन को हटाने की मांग की। बंगाल की राजनीति में सेलिब्रिटीज को शामिल कराने की होड़, अब टीएमसी में शामिल हुई बंगाली गायिका अदिति मुंशी, फिल्म अभिनेता धीरज पंडित सुभद्र मुखर्जी भी टीएमसी में शामिल। पश्चिम बंगाल आरजेडी और समाजवादी पार्टी के बाद अब महाराष्ट्र की पार्टी शिवसेना ने भी दिया ममता बनर्जी को समर्थन। 7 मार्च को महंगाई को मुद्दा बनाकर दार्जिलिंग में रैली करेंगी ममता बनर्जी, 7 को ही कोलकाता में मोदी की भी रैली है। असम में बीजेपी का असम गण परिषद और बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के साथ गठबंधन फाइनल हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बहुत जल्द गठबंधन का औपचारिक ऐलान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक एजीपी को 20 सीटें देने पर सहमति बन गई। चाय बागान पर असम कांग्रेस के विज्ञापन को लेकर के विवाद, बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के विज्ञापन में ताइवान की तस्वीर, यह असम के लोगों का अपमान है। बंगाल के मिदनापुर में पिंगला इलाके में टीएमसी से बीजेपी में आए नेता सुशांत पॉल ने मंच पर उठक बैठक करके टीएमसी को वोट देने के लिए खेद जताया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर कर रहे प्रचार, बीजेपी के लिए जुटा रहे समर्थन। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन में सीटों को लेकर के पेच फंसने की खबर, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अपनी जीती हुई सभी 44 सीटों पर दावा कर रही है। मौलाना की पार्टी आईएसएफ कांग्रेस की जीती हुई सीटों पर दावा कर रही। बीजेपी ने राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरों को लेकर के चुनाव आयोग से शिकायत की है, राहुल के दौरों को आचार संहिता का उल्लंघन बताया। केरल में जीत के लिए बीजेपी ने लगाया मेट्रोमैन ई श्रीधरन पर दांव, 88 साल के श्रीधरन होंगे राज्य में पार्टी के सीएम उम्मीदवार। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।